जय माता दी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे और आने वाले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता से मनोकामना करेंगे कि आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, सदा स्वस्थ रहें। तो चलिए आपको बताते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। रिसेंटली 28 तारीख को मेरा ब्रदर इन लॉ अमित वहाँ वैष्णो देवी की माता के दर्शन करने गया था, तो उसने मेरे को बताया कि ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, आपने चाहे अपने लोकेशन पे ही टेस्ट क्यों ना कराया हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपका टेस्ट जरूर होगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पे 14 से 15 काउंटर बनाए गए हैं कोविड टेस्ट के लिए, जिसका रिजल्ट आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाता है। लेकिन टेस्ट के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है, जहां आपको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही रेलवे स्टेशन पे टेस्ट के लिए। जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया उसको क्वारंटीन में रखा जाएगा या तो उसकी घर वापसी कर दी जाएगी। तो बेटर ये है कि आप अपने यहाँ एक बार चेक करा लें ताकि वहाँ से आपको वापस ना आना पड़े। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये है कि वहाँ पे बहुत ठंड है, अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई है तो आपको पूरे पहाड़ पे बर्फ़ दिखेंगी, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए आप अपनी पूरी फुल तैयारी करके जाएं और सर्दियों के कपड़े अच्छे से भर के जाएं ताकि आपको वहाँ ठंड ना लगे और आप बीमार ना पड़े। रास्ते में क्या क्या है और कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिल सकता है, वो आपको अगर जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने सारा डिस्क्राइब कर रखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है या तो आपको एंड स्क्रीन पे भी वो मिल जाएगा। श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए रास्ते में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। रास्तों में बीच बीच में कई जगह उन्होंने सैनिटाइजिंग मशीन लगा रखी है, जहाँ पे आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं कि आप सुरक्षित रहें। यात्रा आप स्टार्ट करेंगे तो शुरू में तो आपको बर्फ़ नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको स्नोफॉल दिखने लगेगा। और हाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। आप हमारी वीडियो में देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आपको सफ़ेद बर्फ की चादर दिखेगी पहाड़ों पर, जो कि बहुत खूबसूरत है, मनमोहक है। जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पर फोटोशूट के लिए आपको इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। आप ये जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे और आप कहीं भी जाके आपको लगेगा कि बस ये नेचुरल ब्यूटी है। आप कहीं भी फोटो क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मिस नहीं होनी चाहिए, अगर आप वो मिस कर देते तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। भवन तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप भवन से बहरा तक जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रॉली बंद है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल और ठंड के कारण, वहाँ पे वो अभी चल नहीं रही है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है रोपवे को स्टार्ट करना वहाँ पे, तो इसलिए वो बंद कर रखा है। अगर आप बहरा तक जाना चाहते हैं या तो आप फिर पैदल जाएंगे या तो आप घोड़े खच्चर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, घोड़े खच्चर अगर आप करते हो तो वहाँ बच के रहें थोड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी हो जाता है बर्फ में, तो वो आपको एक सेफ्टी मेजर वहाँ पे लेना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और माता के दर्शन के लिए पुरानी गुफा भी बंद है, आपको जो दर्शन कराए जाएंगे वो नई गुफा से कराए जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी यात्रा का प्लस होटल्स का सबका पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको खूब शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ और आगे सबको जानकारी दें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो।